मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये है आपका CSV फाइल्स। CSV फाइल को हम कहते हैं कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़। CSV फाइल जो होती हैं नॉर्मली आपकी टेक्स्ट फाइल, जैसे आप नोटपैड वाली फाइल देखते हो ना, वैसी ही होती हैं। लेकिन CSV फाइल का जो यूज़ है वो ज़्यादातर हम टेबलाइज्ड फॉर्म में करते हैं। मतलब कि अगर आपको कोई डाटा टेबल में देखना हो ना, जैसे एक्सेल शीट में आप देखते हो आपके हर एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड के लिए एक अलग अलग सेल होता है, वैसे ही आप CSV फाइल्स का यूज़ करके कर सकते हो। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। कह रहा इन CSV फाइल्स डाटा इज़ स्टोर्ड इन प्लेन टेक्स्ट, कि जो आपका CSV फाइल्स हैं उसका जो डाटा होता, डाटा स्टोर करते हो वो आपका प्लेन टेक्स्ट की तरह होता है, यानी कि रीडेबल फॉर्म होता है। इसमें आपके ASCII कोड्स और यूनिकोड्स का यूज़ किया जाता है, तो ये आप इसको आसानी से रीडेबल फॉर्म है, इजीली आप मैनेज कर सकते हो। कह रहा वी कैन ओपन, ये जो CSV फाइल है इसको हम ओपन कर सकते हैं नोटपैड, वर्डपैड, गूगल शीट्स या एक्सेल शीट्स, इनके इन सॉफ्टवेयर का यूज़ करके आप अपनी इन सॉफ्ट फाइल्स को ओपन कर सकते हो। कह रहा डाटा जो स्टोर होता है वो एक टेबलर फॉर्म में होता है, ठीक है। और कहता लार्ज, अब कहते जो आपकी टेक्स्ट फाइल और CSV फाइल का एक थोड़ा डिफरेंस यहाँ पर ये भी है कि जो आपकी CSV फाइल्स हैं उसमें आप बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा जो है वो आप इजीली मैनेज कर सकते हो। फिर कहता डाटा इज़ स्टोर इन टेबलाइज फॉर्मेट, ये आपको मैंने पहले बता दिया, रो और कॉलम के हिसाब से आपका ये जो फॉर्मेट है वो चलता है। कहता डाटा कैन बी ईजली इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट फ्रॉम CSV फाइल्स, कि आप बहुत ईजिली अपने डाटा को इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हो। एंड डाटा कैन बी मैनिपुलेटेड थ्रू लिस्ट और डिक्शनरी, कि आप चाहो तो आप अपनी जो डाटा स्टोर किया हुआ है आपने लिस्ट फॉर्मेट में या डिक्शनरी फॉर्मेट में, उन फॉर्मेट्स में आप मैनिपुलेट भी कर सकते हो, यानी कि चेंजेस कर सकते हो। अगर आपको CSV फाइल बनानी है, उसके लिए आपको सबसे पहले अपने अपनी नोटपैड फाइल में या आपके जो पाइथन का जो सॉफ्टवेयर है उस फाइल में आपको इंपोर्ट CSV लिखना पड़ेगा। जैसे आप बाकी के सॉफ्टवेयर्स को इंपोर्ट करते हो ना, उसी तरीके से इसको भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आपका CSV जो है एक मॉड्यूल है, ठीक है। CSV के अंदर दो फंक्शंस या दो मेथड्स हैं जिनका हम यूज़ करते हैं, एक आपका राइट है और एक आपका रीड है। राइट फंक्शन को अगर आपको यूज़ करना है तो आपको कैसे करना है, अगर CSV.write ये आपका इस तरीके से है, और CSV.read कुछ और आपका फंक्शन, ये दो फंक्शन आप इस तरीके से लिख सकते हो। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट इज योर कि जो आपका जो CSV राइटर फंक्शन है आपका, इसके अंदर दो टाइप आते हैं। पहला आता है आपका रॉ और दूसरा आता है आपका मल्टीपल रोज। तो अगर आप सिंगल रो ऑपरेट करना चाहते हो तो आप wo.writeRows लिखोगे। wo का मतलब होता है राइट ऑब्जेक्ट, और मल्टीपल लाइन्स मल्टीपल रोज के लिए आपको लिखना है wo.writeRows एंड brackets। तो अगर आपको मल्टीपल लाइन्स करनी है तो ऐसे लिखना है, s लगा देना है, और सिंगल लाइन के लिए आपको रो लगाना है, ठीक है, आपको पता ही लग गया होगा। उसके बाद आपका सिंपल है कि इसका सिंटेक्स क्या होता है कि देखो, फाइल ऑब्जेक्ट होता है आपका, आपने उसको ओपन करना है, फिर फाइल नेम देना है, फिर यहाँ पर .csv लिखना है, और उसके बाद आपको अपना मोड लिखना है डबल क्वार्ट्स के अंदर, और कॉमा से सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक होने के बाद अब आपका है नेक्स्ट कि आप किस तरीके से इसको और अच्छा एक्सप्लेनेशन में डालते हैं इसको करने के लिए। कि देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, आपको मालूम ही है कि हम दो तरह से कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं। सबसे पहले हमने देखिए फाइल ऑब्जेक्ट बनाया, आपका फाइल ऑब्जेक्ट आपका पी हो गया, ओपन किया, फिर उसके बाद today.csv नाम की फाइल को हमने ओपन करने के लिए डाल दिया है। फिर इसको हमने W मोड में एक्टिवेट करा है या R मोड में एक्टिवेट कराया है। तो R मोड का मतलब है रीड मोड, और W मोड का मतलब होता है राइट मोड। तो ये आपको मालूम ही है, ये हम करते ही हैं अभी तक जितनी भी फाइल हैं, हम स्टार्टिंग से बाइनरी फॉर्म में भी किया है हमने, राइट मोड, रीड मोड, अपेंड मोड, हमने सब का यूज़ किया है। आप चाहो तो विद जो आपका विद फंक्शन है उसका भी यूज़ कर सकते हो। तो देखिए, विद ओपन ब्रैकेट्स के अंदर today.csv, फिर उसके बाद मोड दे दिया एज़ p आपका जो है, ये आपका क्या है, फाइल ऑब्जेक्ट है।
तो इस तरीके से भी आप दे सकते हो। अब दोनों में आपको मैंने पहले भी बताया कि दोनों में फ़र्क क्या है। देखो जो ऊपर वाली फाइल है, हम अगर इस तरीके से अगर कोई फाइल बनाते हैं तो इसको लास्ट में आपको पी डॉट क्लोज नाम का फंक्शन आपको यूज़ करना पड़ता है और वो फाइल तब आपकी क्लोज होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, विद फंक्शन में आपका ऐसा कुछ नहीं है, विद स्टेटमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता है। विद स्टेटमेंट में जब आप यहाँ पर इंटेंट, जब आप एंटर मारते हो तो आप इसके इंटेंट में कुछ भी लिखते हो, ठीक है, सब जो है वो विद स्टेटमेंट के इंटेंट के अंदर आता है। और लेकिन जैसे ही आप इंटेंट से बाहर जाते हो यानी कि बैक साइड जाते हो तो वो आपका लूप, आपका जो प्रोग्राम है ऑटोमेटिकली ट्रिगर कर जाता है यानी कि बाहर निकल जाता है। तो यही मैंने स्टेटमेंट में भी लिखा है, When write a program in intent of with statement, जब हम किसी प्रोग्राम को with statement के intent में लिखते हैं तो no need to close the file, तब हमको file close करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और दूसरा लिखा है कि when we come back from the intent program, कि अगर आप जब with वाला जो आपकी statement है उससे बाहर आ जाते हो तो आपकी जो program है वो automatically terminate हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका first part है। नाउ सेकेंड में हम एक प्रोग्राम बना के देखते हैं। प्रोग्राम में आप देखिए किस तरीके से काम करते हैं, काम किया जा रहा है। तो यहाँ पर है आपका, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमने देखिए इंपोर्ट CSV किया, उसके बाद हमने एक राइट नाम का एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर हमने पी नाम का आपका फाइल ऑब्जेक्ट लिया, ओपन किया today.csv और राइट डब्ल्यू मोड में इसको एक्टिवेट करवा लिया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट वाली बात यह है कि आप जब इसको today.csv नाम की जो आपने फाइल बनाई है इसको जो लोड कर आपने ये बना ली है ना, तो आपके बैकएंड में एक फ़ाइल बन जाएगी, देखिए कुछ इस तरीके से आपकी ये टेबल आई फॉर्म में आ गई, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसके आपको बताता हूँ कि डाटा एंटर इन टेबलेट फॉर्म, कि जो भी आप डाटा एंटर करोगे वो टेबल फॉर्म में होगा। क्या बाय डिफ़ॉल्ट इट ओपन अ शीट फॉर्म, कि जो इसका डिफ़ॉल्ट मोड होता है वो एक शीट फॉर्म होता है। फिर एक पॉइंट और लिखा कि देन यू ओपन योर व्हेन यू ओपन योर फाइल यू कैन सी अ एक्स्ट्रा लाइन, कि जब भी आप अपनी फाइल को इस तरीके से ओपन करते हो डिफ़ॉल्ट मोड में क्या होता है कि आपको हर बार एक एक्स्ट्रा लाइन मिलती है। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि फर्स्ट लाइन में आपका डाटा होगा, फिर एक स्पेस हो जाएगी, फिर डाटा होगा, फिर एक स्पेस हो जाएगी, कुछ इस तरीके से आपको डाटा मिलेगा आपका लाइन में। फिर एक फंक्शन है न्यू लाइन का, कि अगर आप न्यू लाइन का यूज़ करते हो अपने प्रोग्राम के अंदर तो क्या होता है, जो एक्स्ट्रा स्पेस मिल रही है उसको वो हट जाएगी, वो डिलीट हो जाती है ओनली। और ये आप सिर्फ जो है वो शीट फॉर्मेट में ही कर सकते हो, ठीक है, ये आपको शीट फॉर्मेट में ही दिखाई देगा। अगर आप नोटपैड में ओपन करोगे तो वो आपकी जो फाइल्स होती हैं वो कॉमा लगाकर वो ओपन करके दे देगा, लेकिन जो प्रॉपर वे है वो टेबलाइज फॉर्म है, वो इस तरीके से दिखाई देगा। अब यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर देखिए इस फर्स्ट वाली को मैंने क्या किया, हैश कर रखा है। तो हैश क्यों किया है, क्योंकि देखो हमें जो एक्स्ट्रा स्पेस है ना, ये जो मिल रही है इसको हमें नहीं चाहिए। तो हमें क्या किया है, देखो यहाँ पर हमने p इज इक्वल टू ओपन today.csv.write_mode, न्यू लाइन इज इक्वल टू डबल क्वार्ट स्टार्ट, या आप सिंगल क्वार्ट भी ले सकते हो या डबल क्वार्ट भी ले सकते हो, उसके बाद इसका क्लोज। तो अगर इस तरीके से अगर आप लिखते हो अपनी फाइल के अंदर तो आपको अपने बैकएंड में आप देखने जाओगे ना तो आपको एक्स्ट्रा स्पेस नहीं मिलेगी। मतलब ये जो एक्स्ट्रा स्पेस है ये आपके बैकएंड में कोई जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, एक्सेल का हो चाहे किसी का भी हो, तो वहाँ पर आपको हर लाइन के बाद ये स्पेस मिलेगी। लेकिन अगर आप न्यू लाइन का यूज़ कर रहे हो तो ये एक्स्ट्रा स्पेस वहाँ पर नहीं होगी। तो आप ना जब फाइल बनाओगे तो आप इन दोनों तरीकों का यूज़ करके देख लेना, पहले ऊपर वाले तरीके का यूज़ करना, फिर नीचे वाले तरीके का यूज़ करके देखना, तो आपको पता लग जाएगा डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या किया है, नाउ नेक्स्ट इज योर, उसके बाद हमने क्या किया, डब्ल्यू इज इक्वल, डब्ल्यू जो है आपका एक राइटर ऑब्जेक्ट है, इज इक्वल टू csv.writer, और लास्ट में पी लिखा है आपका फाइल हैंडलर है। तो हमने क्या किया है, एक डब्ल्यू नाम का ऑब्जेक्ट लिया है जिसके अंदर हमने क्या किया है, अपना राइटर नाम का एक जो csv को कॉल करवा लिया, फंक्शन को कॉल करवा लिया, और अपने जो अपना हमारा जो आपकी जो पी नाम की जो फाइल हैंडलर है उसको हमने यहाँ पर कॉल करवा लिया। तो सारा का सारा जो है अब वो डब्ल्यू के अंदर स्टोर हो रहा है। इसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ मैंने,
एवरी शीट ऑफ द फर्स्ट रो विल बी यूज फॉर हेडिंग, कि जब भी आप कोई शीट प्रिपेयर करते हो तो जो पहली लाइन अपीयरिंग होती है, दिस वन लाइन, ये आपकी हेडिंग के लिए होती है. हेडिंग मीन्स जैसे आपका नेम हो गया, फादर नेम हो गया, रोल नंबर हो गया, तो ये जो होती हैं ये हेडिंग्स होती हैं. तो फर्स्ट लाइन जो होती है डिफ़ॉल्ट होती हैं, वो आपकी हेडिंग्स के लिए यूज़ की जाती हैं. तो अगर हेडिंग्स के लिए अगर यूज़ की गई हैं तो आपका देखो सबसे पहला जो अगर आप उसमें वैल्यूज़ को स्टोर करवाना चाहते हो तो हमने क्या किया है, टाइटल नाम से एक वेरिएबल ले लिया है. अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, ये जो बीच में मैंने यहाँ पर ये बैक लिखा हुआ है ये सिर्फ एक पॉइंट है, आपका कंटिन्यू प्रोग्राम है. यहाँ से लेकर ये बीच का गैप जो है वो कुछ नहीं है, W के बाद आपका टाइटल स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, ये ध्यान रखना. टाइटल में हमने क्या किया है, हमें कौन कौन से फील्ड्स लेने हैं हमने यहाँ पर डिसाइड किया है. हमने लिस्ट फॉर्मेट तैयार की है, हमारा एन रोल नंबर, नेम, रोल नंबर एंड मार्क्स, हमने तीन वेरिएबल लिए. आप चाहो तो इसमें आप और भी ले सकते हो, आप पूरा का पूरा टेबल जैसे बनाना चाहते हो तो वो पूरा का पूरा यूज़ कर सकते हो, परसेंटेज ले सकते हो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे करना. तो हमने इसके बाद इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट किया हमने, हमने देखिए हमने फील्ड तो ले लिया है, इसका जो हेडिंग है वो तो ले लिया है, अब हमें रिकॉर्ड्स एंटर डालने हैं. तो हमने क्या किया है, डिटेल्स नाम का एक वेरिएबल लिया है जो कि लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट बना रहा है. देखिए आप नेस्टेड लिस्ट आपको पता ही है, ये देखो मेन ब्रैकेट है और ये मेन ब्रैकेट आपकी यहाँ पर क्लोज हो रही है, उसके बीच में देखिए 1 2 3 हमने तीन रिकॉर्ड्स एंटर किए हैं, लिस्ट फॉर्मेट के अंदर ही एंटर किए हैं, डबल क्वार्ट्स के अंदर अमित 1784, ये सारे के सारे आपके स्ट्रिंग फॉर्मेट में जा रहे हैं. ठीक है, और उसके बाद करण 91.94% है उसकी, और विकास 1871. तो ये हमने क्या किया है, डाटा जो है अंदर डाल दिया है डिटेल्स के थ्रू, और वो भी नेस्टेड लिस्ट के थ्रू. क्लियर, ठीक है, आपको क्लियर हो गया. नाउ नेक्स्ट इज ईयर, हमने उसके बाद क्या किया है, उसके बाद देखो सिंपल तरीका है, हमने डब्ल्यू डॉट राइट रो टाइटल, सबसे पहले हमने टाइटल को, ये जो टाइटल है उसको हमने क्या किया है, कॉल करवा लिया. ये टाइटल कॉल करवाने पर इसका क्या आउटपुट है, जो आपकी पहली रो है, ठीक है ना, ये आपके नेम के लिए होगी, ये आपके रोल नंबर के लिए होगी, और ये आपके परसेंटेज मार्क्स के लिए होगी, सॉरी मार्क्स के लिए होगी. ठीक है, उसके बाद अगर आप चाहो तो आप ये डब्ल्यू डॉट राइट रोज डिटेल्स, अगर आप राइट रोज का यूज़ करते हो और डिटेल्स नाम का जो आपने ये बना रखा था जिसके अंदर आपने लिस्ट ऑफ नेस्टेड लिस्ट की सारी स्टोर करवा के रखा था, उसको अगर आप राइट रोज करते हो तो आपका जो डाटा है वो आगे की तरफ फॉर्मेट हो जाएगा. ठीक है, सारा का सारा. और अगर आप वन बाय वन लाइन लेकर चलना चाहते हो तो देखिए आप इस लाइन को मैंने हैश कर रखा है, आप इस लाइन को मत लिखो, आप फॉर कंडीशन का यूज़ कर सकते हो, फॉर एक्स इन डिटेल्स, तो डिटेल्स आपका ये है, तो एक्स इन डिटेल्स, फिर उसके बाद हमने क्या, डब्ल्यू डॉट राइट रो, सिंगल सिंगल रो को पकड़ेगा और एक्स, ठीक है, तो फर्स्ट रो गई तो फर्स्ट को ले लेगा, फिर उसके बाद फिर अगेन जाएगी तो सेकंड को ले लेगा, फिर अगेन जाएगी फिर थर्ड को ले लेगा. इस तरीके से आपकी तीनों के तीनों जो फाइल्स हैं वो आपके डाटा के अंदर स्टोर हो जाएंगी टेबलाइज्ड फॉर्म में. उसके बाद आपने क्या किया, अपनी फाइल को यहाँ पर क्लोज कर दिया, जो आपने अभी जो फाइल बनाई है ना, कौन सी फाइल बनाई है हमने, राइट नाम का जो फंक्शन बनाया है हमने, उसको हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया है. ठीक है, अब जब राइट नाम का फंक्शन बना दिया, अब यहाँ से प्रोग्राम अगर रन हो गया है, रन करने के बाद आप बैकएंड में जाकर देख सकते हो तो आपके पास एक फाइल मिलेगी today.csv नाम की, और उसको अगर आप ओपन करोगे तो वो एक्सेल फॉर्मेट में आपको ओपन होकर दिखाएगी, या आपको डेटाबेस से कंसल्ट जो भी सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में होगा उसमें वो शो करेगी और टेबलाइज फॉर्मेट में शो करेगी. और अगर आप चाहते हो कि नहीं पाइथन में ही वो आपको शो करवाना है तो आप पाइथन में भी शो करवा सकते हो. उसके लिए आपको रीड नाम का एक फंक्शन बनाना है, और रीड नाम के फंक्शन में आपको क्या लिखना है, सेम वही लिखना है जो हम ऑलवेज लिखते हैं. मैंने आपको कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, आप देख सकते हो कि बैकएंड जो आपकी लाइन है वो क्या करेगी. तो देखा, इफ़ यू ओपन द फाइल इन नोटपैड ऑल वैल्यूज सेपरेट विद कॉमा, कि जो भी आपने डाटा स्टोर किया है वो कॉमा कॉमा से सेपरेटेड होगा. और अगर आपने जो डाटा है वो किसी डाटा शीट, डाटा फॉर्म या किसी एक्सेल शीट में किया है तो आपको जो डाटा होगा वो टेबलाइज्ड फॉर्म में होगा. ठीक है, ये एक जस्ट एक छोटी सी क्वेरी है. नाउ प्रोग्राम के अंदर आते हैं. हमने एक रीड नाम का एक फंक्शन स्टार्ट किया. ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, एक अपना पी नाम का फाइल ऑब्जेक्ट लिया जिसके अंदर हमने ओपन करवाया today.csv और रीड मोड में इसको एक्टिवेट करवा दिया. ठीक है, रीड मोड दे दिया इसको. रीड मोड देने के बाद हमने आगे क्या किया है, हमने r is equal to csv.readerp,
आर जो है आपका रीडर ऑब्जेक्ट है, इसको हम वेरिएबल भी कह सकते हैं, तो वो क्या कर रहा है, सी एस वी की जो आपकी रीडर नाम की फंक्शन है उसको वो ऑपरेट कर रहा है पी नाम के फाइल ऑब्जेक्ट को लेकर। तो जो भी डाटा आपका वो होगा वो आपका आर के अंदर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद आपने फॉर लूप लगा दिया है, एक्स इन आर प्रिंट एक्स, और फाइल को क्लोज कर दिया है। ठीक है, सिंपल सा लाइन है यहाँ से यहाँ तक का सिंपल। उसके बाद सबसे देखिए, ये सारा प्रोग्राम क्लोज होने के बाद आपको राइट फंक्शन और रीड फंक्शन, इन दोनों फंक्शंस को आपको एक्टिवेट करना है अपने प्रोग्राम के अंदर, क्योंकि ये दोनों प्रोग्राम जब ये आप लिखोगे, फंक्शंस लिखोगे, तभी तो आपका सबसे पहले राइटर राइट फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद आपका रीड फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा, तो फिर आपको वो आउटपुट भी पाइथन के शेल में दिखा देगा। ठीक है, तो आपके तीनों के तीनों रिकॉर्ड जो हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, आपको क्लियर हुआ, एक छोटा सा प्रोग्राम है, आप बना के देखिए, इजी है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपको। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अब एक और प्रोग्राम हम बनाते हैं और थोड़ा अलग तरीके से। अब यहाँ पर इन्होंने कहा है कि राइट, रीड और सर्च ऑपरेशन, हम ये तीनों ऑपरेशन जो हैं इस एक फंक्शन के थ्रू, एक प्रोग्राम के थ्रू एक्सप्लेनेशन देंगे। तो देखिए, प्रोग्राम में आपका जो राइट फंक्शन है वो तो सिंपल ही है, हमने सबसे पहले इंपोर्ट करा CSV को, उसके बाद हमने एक DEF राइट मोड राइट फंक्शन बनाया, जिसके हमने अपने हमने अंदर P इज इक्वल टू ओपन टूडे डॉट CSV राइट मोड में डाल दिया उसे, और न्यू लाइन ब्रैकेट्स लिख के बंद कर दिया। फिर उसके बाद हमने W इज इक्वल टू CSV डॉट राइटर डॉट P, हमने राइटर अपना W वेरिएबल लिया है, जिसके अंदर हमने क्या किया है, राइटर फंक्शन के थ्रू अपने फाइल हैंडलर को कॉल करवा लिया है, और वो अब उसको क्या होगा, वो रीड करेगा W के अंदर। फिर उसके बाद हमने सबसे पहले हेड दे दिया है, हेड के अंदर हमने नेम, रोल नंबर और मार्क्स दे दिए हैं, और उसके बाद हमने क्या किया है, आपका W डॉट राइट रो हेड, हमने क्या किया, सबसे पहले राइट रो करने से अपने हेड को हमने कॉल करवा लिया। तो डेफिनेटली वही होगा, जब आपकी ये फाइल, ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो आपके पास टेबलाइज फॉर्म में यहाँ पर नेम लिखा होगा, यहाँ पर रोल नंबर लिखा होगा और यहाँ पर मार्क्स लिखा होगा, आपके हेड तैयार हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमने एक प्रोग्राम में आगे क्या लिखा है, हमने लिखा है व्हाइल लूप। व्हाइल लूप क्या कर रहा है, व्हाइल लूप यू नो वेरी वेल, व्हाइल लूप ट्रू है, तो यानी कि ये लूप इन्फिनिटी लूप चला गया है, कि ये तब तक चलता रहेगा जब तक आपका डाटा जो है आप चलाना चाहते हो, डालना चाहते हो, एंटर करना चाहते हो। तो सबसे पहले आपने क्या किया है, नेम लिया है, नेम को हमने इनपुट करवाया, फिर हमने रोल नंबर लिया, इनपुट करवाया, फिर हमने मार्क्स लिया, इनपुट मार्क्स करवाया। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि लास्ट टाइम हम जब प्रोग्राम बना रहे थे, रोल नंबर को हम इंटीजर में ले रहे थे, मार्क्स को हम फ्लोटिंग में ले रहे थे, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, डायरेक्टली हमने उनको स्ट्रिंग फॉर्मेट में डाल दिया है। क्लियर, क्योंकि आगे भी जब जो डाटा आपका स्टोर होने जा रहा है वो आपका स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही स्टोर होगा, तो हमने क्या किया, डायरेक्टली इनको क्या किया है, स्ट्रिंग फॉर्म में इनपुट से इनपुट कॉल करवाया, का मतलब है आपने इसको स्ट्रिंग में कॉल करवा लिया है। उसके बाद हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट लिया है फाइल फाइनल नाम का, जिसके अंदर हमने क्या किया है, नेम, रोल नंबर और मार्क्स को लिस्ट फॉर्मेट में बता दिया कि इस तरह से आपका जो है लिस्ट तैयार होना चाहिए। तो इस तरीके से लिस्ट तैयार होना चाहिए, मतलब आपका जो टेबल बना है उसमें जो डाटा होगा नेम, रोल नंबर और मार्क्स के हिसाब से मैनेज हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने जो भी नाम लिखा है, अजय, उसके मार्क्स, रोल नंबर हो गया 11 और उसके मार्क्स हो गए 97, तो यहाँ पर वो शो हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपने नेक्स्ट क्या लिखा है, नेक्स्ट है आपका राइट W डॉट राइट लाइन फाइनल, हमने क्या किया है, जो भी फाइनल वेरिएबल के अंदर वेरिएबल स्टोर हो रहे हैं उसको हमने राइट रो के नाम, राइट रो का फंक्शन जो है हमने वो ले लिया है यहाँ पर। ठीक है, और अब क्या करेगा, वो एक एक करके अपना रिकॉर्ड जो है एंटर करता रहेगा। ठीक है, और आपका जो डाटा है वो आपके डाटा शीट के अंदर चलता रहेगा। उसके बाद हमने क्या किया है, अगेन नाम का एक फंक्शन वेरिएबल लिया है, जो कि आपको बता रहा है इनपुट कि वांट टू एंटर अगेन यस और नो, तो आप अगर वाई प्रेस करोगे तो वाई कंडीशन अगर ट्रू होगी तो आपका डाटा एंटर करेगा। देखिए यहाँ पर हमने कंडीशन थोड़ी सी ट्विस्ट में डाल दी है, आप हमेशा कहोगे सर नॉट इक्वल टू का साइन लेके करते हैं, अब देखिए नॉट इक्वल टू का साइन थोड़ा अलग है, वैसे आप चाहो तो दूसरे तरीके से भी यूज़ कर सकते हो। अब देखो अगेन, अगेन क्या है, अगेन मान लो मैंने ये अगेन आपका जो वेरिएबल है मैंने वाई प्रेस कर दिया है। ठीक है, तो वाई नॉट इक्वल टू वाई, अब देखो कंडीशन y इक्वल टू y है, ठीक है ना, y इक्वल टू y है तो ये ट्रू होगा, और अगर नॉट लगाया तो ये फॉल्स हो जाएगा। यानी कि इसमें अगर आप कुछ भी और डाटा डालते हो, मान लो मैंने यहाँ पर y की जगह अगर मैंने
y की जगह अगर मैंने, देखिए कंडीशन ये ट्रू के लिए मैंने बनाई है, ठीक है ना, अगर ये ट्रू है तो ब्रेक हो जाए, तो ट्रू के लिए ब्रेक होगा। अगर मैं यहाँ पर n नॉट इक्वल टू y करता हूँ तो n y के इक्वल नहीं है, यानी कि फॉल्स। लेकिन नॉट लगा रखा है तो नॉट लगाने से क्या होगा, ये ट्रू हो जाएगा। तो यानी कि ये लूप जो है अगेन ऊपर की तरफ चला जाएगा और मुझे फिर ये परमिशन देगा कि मैं नया नेम, नया रोल नंबर और नया मार्क्स एंटर कर सकूं किसी और स्टूडेंट्स के लिए। तो ये लूप इस कुछ इस तरीके से आपको एग्जीक्यूट करता है। उसके बाद आपने पी डॉट क्लोज फाइल को क्लोज कर दिया है। तो ये देखिए एक छोटा सा प्रोग्राम है आपका, इसमें हमने क्या किया है, हमने एक राइट नाम का फंक्शन लिया है जिसमें हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने क्या किया है, अपना फाइल को बनाया CSV लाइन न्यू लाइन करके हमने एक फंक्शन लिया है जो कि लाइन आपकी एक्स्ट्रा स्पेस को नहीं आने देगा। फिर हमने उसको हेड को बनाया नेम रोल नंबर और उसके बाद हमने राइट रो नाम का फंक्शन एग्जीक्यूट करवाया। उसके बाद हमने वाइल ट्रू लिया है कि ट्रू मतलब इन्फिनिटी लूप है, ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि आप फॉल आपकी कंडीशन जो है वो क्या हो, आपकी फॉल्स ना हो जाए। देखिए y इज इक्वल टू y, दोबारा बता रहा हूँ y इज इक्वल टू y, ये ट्रू है लेकिन ये क्या हो जाएगी, फॉल्स, नॉट लगा है ना तो फॉल्स हो जाएगी। तो जब तक आपकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती है तब तक ये कंटिन्यू चलता रहेगा और जैसे ये फॉल्स होती है आपका ट्रिगर हो जाएगा और आपका प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। क्लियर। नाउ आगे है आपका रीड फंक्शन। रीड फंक्शन सेम उसी तरीके से जो हमने बनाया था पीछे भी, सेम वही काम कर रहा है। हमने रीड नाम का एक फंक्शन बनाया जिसमें हमने पी नाम का एक फाइल ऑब्जेक्ट लिया, फाइल हैंडलर लिया, हैंडलर भी कह सकते हैं, जो कि क्या कर रहा है, पी ओपन कर रहा है टुडे डॉट CSV को और रीड मोड में ओपन कर रहा है। उसके बाद हमने क्या किया, आर नाम का एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर हमने क्या है, राइट रीडर पी को कॉल करवा लिया है। उसके बाद हमने एक फॉर लूप लगाया एक्स इन आर और उसके बाद प्रिंट कि जितना भी डाटा उसके अंदर आता रहेगा, आपका 3 है 4 है 5 है, वो 1 by 1 आपको आउटपुट स्क्रीन में डिस्प्ले करवाता रहेगा और फाइल को हमने लास्ट में क्लोज कर दिया। तो ये तो वही सेम थिंग है ना, कोई भी इसमें चेंजेस वगैरह तो कुछ है नहीं है, सेम पैटर्न है, सिर्फ कुछ चीज़ों का फोकस है आपको ध्यान रखना है, बाकी कोई भी प्रोग्राम में छेड़ाखानी नहीं है। ठीक है। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट है सर्च प्रोग्राम कि आप सर्च करना चाहते हो, तो अगर आप सर्च करना चाहते हो किसी रिकॉर्ड को तो सर्च करने के, देखो मैंने पहले भी बताया था, दो तरीके हैं, या तो आप उसके रोल नंबर से कर सकते हो या फिर आप सर्च करना चाहो तो आप उसके परसेंटेज से भी कर सकते हो, मार्क्स से भी कर सकते हो, उसके नेम से भी कर सकते हो। ठीक है ना, तो वो डिपेंड करता है आप किस तरीके से कर रहे हो। यहाँ पर मैं जो है रिकॉर्ड जो फाइंड कर रहा हूँ वो रोल नंबर से फाइंड कर रहा हूँ। तो रोल नंबर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, एक फंक्शन डिफाइन किया सर्च नाम का, जिसमें सबसे पहले हमने अपने फाइल हैंडलर को में अपनी फाइल को ओपन किया है टूडे डॉट CSV और रीड मोड में इसको मैंने एक्टिवेट किया है। फिर हमने एक रीड r इज इक्वल टू CSV डॉट रीडर डॉट p, हमने क्या किया है, r नाम का एक वेरिएबल लिया है जो कि आपके रीडर नाम के फंक्शन को एग्जीक्यूट करवा रहा है और p नाम का जो आपका फाइल हैंडलर है उसके अंदर हमने कॉल करवा रखा है। फिर हमने यहाँ पर क्या लिखा है, t नाम का एक वेरिएबल लिया है जो कि हमें क्या बता रहा है, लाइन अपीयरिंग करेगा एंटर रोल नंबर यू वांट टू सर्च, कि ये वो बताएगा कि आपको कौन सा रोल नंबर सर्च करना है, वो t नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर मैंने एक लाइन लिखी है नेक्स्ट आर। नेक्स्ट आर का यूज़ क्या है, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आर का यूज़ है कि जब भी अगर आप ये लाइन नहीं लिखोगे तो देखो आपकी जो इंडेक्सिंग हुई है ना हेडिंग, तो हेडिंग में यहाँ पर नेम है, रोल नंबर है, मार्क्स है, तो वो इस लाइन को हमने जंप करवाना है। तो अगर हमें ये लाइन नहीं चाहिए, हमें तो रिकॉर्ड से मतलब है ना कि हमारा रिकॉर्ड से शुरू होना चाहिए, इसलिए हमें नेक्स्ट आर नाम का जो नेक्स्ट आपका फंक्शन है उसका यूज़ किया गया है यहाँ पर। तो कह रहा है रिकॉर्ड विल नॉट सर्च फ्रॉम हेडिंग, अगर आप नेक्स्ट आर का यूज़ करते हो और तो आपका क्या करेगा, जंप नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन में वो जंप कर जाएगा और जहाँ से आपका डाटा स्टार्ट होता है वहाँ से वो रीड करना शुरू कर देगा। और जो आपकी, क्योंकि हम हेडिंग को रीड नहीं करते हैं ना, तो हमने उसको छोड़ दिया, इसलिए हमने यहाँ पर नेक्स्ट आर नाम का यूज़ किया है यहाँ पर। उसके बाद हमने फॉर लूप लगाया है एक्स इन आर, तो एक्स आपका फॉर वेरिएबल है फॉर का और आर आपका ये है वेरिएबल, ठीक है, जो आपने वहाँ पर लिया है। ठीक है, ये आपका आर नाम का जो आपने यहाँ पर रीडर ऑब्जेक्ट है ना उसको लिया है। फिर उसके बाद हमने कंडीशन अप्लाई की इफ़ एक्स वन, अब देखिए आपका जो रोल नंबर है
पहले आपका नेम था, फिर रोल नंबर था और फिर मार्क्स था, तो ये इसकी 0 और 1 और 2, इसकी प्लेसमेंट क्या है 1, तो 1 की प्लेसमेंट में आपने यहाँ पर क्या लिखा है x1 इज इक्वल टू t, अगर वो t के बराबर है तो वो प्रिंट हो जाए, फाइल क्लोज हो जाए, ठीक है ना, सिंपल प्रोग्राम। उसके बाद वो हमने क्या किया है, राइट फंक्शन, रीड फंक्शन और सर्च फंक्शन को हमने यहाँ पर कॉल करवा दिया है सबसे एंड में। ये एक ध्यान रखने वाली बात है, ये किसी के इंटेंट में नहीं आता है, ये सबसे स्टार्टिंग जो आपका, मान लो ये आपकी पाइथन की शीट है, ठीक है, आपने डिफाइन सर्च किया है, आप यहाँ पर आ गए हो, फिर आप टैब मारोगे तो आप यहाँ से लिखते रहोगे, फिर आपने फॉर लूप लिखा है, फॉर लूप लिखने के बाद अगेन कॉलन साइन है तो इसका मतलब यहाँ पर लिखोगे आप, फिर उसके बाद इफ़ कंडीशन लिखी है तो इफ़ कंडीशन के बाद आपका फिर यहाँ आ जाएगा, क्लोज करने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा और आपको ये जो राइट, रीड और सर्च, ये आपको बिगनिंग यहाँ से लिखना पड़ेगा, यहाँ से, ये लाइन से। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद जब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे, सबसे पहले आपको वो परमिशन देगा, राइट लिखने की परमिशन देगा, तो आप अपने रिकॉर्ड अंदर डाल सकते हो। राइट फंक्शन में आपकी फाइल अगर ऑलरेडी बनी हुई है तो वो ओवरराइट कर जाएगी और नया रिकॉर्ड जो आप डालोगे वो उसके अंदर चला जाएगा। फिर उसके बाद आपका रीड फंक्शन है, वो आपको शो कर देगा कि आपने कौन कौन सा डाटा जो है वो आपने एग्जीक्यूट किया है। उसके बाद आपके पास सर्च फंक्शन है, सर्च फंक्शन में वो आपसे पूछेगा कि भाई कौन सा रोल नंबर सर्च करना चाहते हो, तो जैसे ही आप उसका रोल नंबर एंटर करोगे, जैसे ही एंटर प्रेस करोगे, वो अपने रिकॉर्ड में देखेगा, डेटाबेस में देखेगा और वो आपको आउटपुट में दे देगा। तो मतलब ये आपका एक छोटा सा पार्ट है, मैंने आपको पहले भी कहा है, ये छोटे छोटे पार्ट ही हैं आपके जो एक अच्छा प्रोग्राम बनाते हैं। बस इन प्रोग्राम के अंदर आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से आपने डाटा को कॉल करवाया है, किस तरीके से एग्जीक्यूशन हुआ है, ठीक है, और ये सब आप ध्यान रखोगे तो आपका ये प्रोग्राम जो है इस आसानी से एग्जीक्यूट करेगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही है, ठीक है, और आई थिंक आपका ये CSV जो टॉपिक है ये भी ख़त्म हो गया है, और अच्छे से आप वीडियो को अंडरस्टैंड करो, समझो हमने क्या किया है इस वीडियो के अंदर, किस तरीके से हमने फाइल बनाई है, CSV का यूज़ कहाँ कहाँ हुआ है, रीड फंक्शन क्या है, रो आपका राइट रो और राइट रोज का कहाँ कहाँ यूज़ किया है, कैसे यूज़ किया है, तो वो सारी चीज़ें आपको एक धीरे धीरे करके एग्जीक्यूट करनी है, पढ़नी है, समझनी है। कोई भी दिक्कत आती है आप मुझे, मैंने पहले भी कहा है, कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट है जितने भी प्रोग्राम हम यहाँ पर देख रहे हैं ये सारे प्रोग्राम आपको क्या करने हैं, बनाकर देखने भी हैं, क्योंकि जितना आप प्रोग्राम बनाओगे उतना ही आपको ज़्यादा क्लियर होगा। और कुछ पॉइंट्स आपको मैंने दे रखे हैं, इन पॉइंट्स को भी आपको याद रखना है, समझना है कौन सी चीज़ किसके अंदर आती है, क्योंकि ये सारी क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए भी आ सकती हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट टुडे टॉपिक एंड अच्छे से वीडियो को देखिए, ओके, थैंक यू, बाय।